पहले आपको राजेश तलवार की क्लिनिक के कंपाउंडर कृष्णा का नार्को टेस्ट दिखाते हैं। नेपाल का कब इधर आए थे? नोएडा 10-12 साल पहले आए थे यहाँ। हेमराज जैन को मिलने के लिए आप तलवार साहब को घर आते थे क्या? हेमराज को मिलने के लिए मैम चावी लेने के लिए आता था मैम, आके चावी लेके चल जाता था बस। चाबी उधर ही हेमराज के पास ही था क्या? आपके पास दूसरा चाबी नहीं थी? चाबी था मैम, चाबी जिस दिन मेरे को जाना होता था उस दिन अपने पास नहीं रखता था, मैं हेमराज को दे देता था मैम। आरुषि को क्यों मारा? वजह क्या है उसको मारने का? मारने का वजह क्या हो सकता है? आरुषि को मारने का मोटिव मोटिव मेरे को ये हो सकता है कि हेमराज ने गलत करने का क्या हेमराज ने आकर गलत करने की कोशिश करी और उसको भी मार दिया। मैं यहाँ से भागूंगा तो नहीं। क्यों? हाँ क्यों नहीं भागूंगा? अच्छा क्यों भागूंगा? मैंने जुल्म नहीं किया है, जुल्म की अगर जुल्म किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता मैं। मैंने उस दिन उनको बोला था फर्स्ट टाइम में, जब उन्होंने बोला था मेरे को मेरे ऊपर सारा अपने ऊपर ले लो बोला था। किसने बोला था? आई साहब ने बोला था। लोकल वाले अच्छे जानते हो मैम, सबसे मिला हूँ मैम, ऐसी बात नहीं है सबसे मिला हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू सारा अपने ऊपर ले, तेरे को सजा हो जाएगी, सजा कम कर दी जाएगी, 17 साल की उम्र में तेरे को वहाँ पर रखा जाएगा, ऐसा बोला था उन्होंने। ये आईजी कुमार उनके समझे की बात करना प्लीज मैम। मैम ठीक है, अगर आप मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मेरे को आप बेधड़क आप मेरे को मारो पीटो या गोली से मार दो या इन लोग कर लो, मैं ये चाहता हूँ मैं, ठीक है मैम। पर मैंने उस दिन मैं सीधे साधे मैम घर पे आया, अपने आकर घर पे आकर सो गया हूँ, तो मेरी क्या गलती है मैम उसमें बता? मुझे क्या हो सकता है हेमराज को मारने का? मैम इन दोनों में आपस में इलीगल थे ही क्या? इलीगल रिश्ते थे इन लोगों में, यानी दुरानी में और उसमें। हाँ ठीक है, तो क्या पता ये दिन उसने देख लिया। किसने? डॉक्टर सरदार की बेटी ने भी देख लिया। हाँ, तो हेमराज को क्यों मारा? बता रहा हूँ, तो उसके बाद वो घर गई होगी, घर जाके ऐसी बात हुई है। कैसे बात? कैसे बात है? कैसी बात है? कैसी बात है? ये आपका स्टोरी है ना, आपने इमेजिन किया है ना? हेमराज ने कुछ बताया क्या? हेमराज ने क्या बताया था? हेमराज ने बताया था कि वो उसके क्या 11th क्लास की लड़की है। हाँ? जो पुरपनीगंज में रहती है। तो अब वो मेरे हाथ में आ गई है मैम। मैंने कभी कोई हत्या नहीं करी मैम, सब कुछ कर सकता हूँ पर मैं हत्या नहीं कर सकता।